जय श्री राधा माधव। पूज्य श्री राधा बाबा जी के प्रवचनों से वे आपके भी सुन सकते हैं, यदि आप उन्हें सुनाना चाहें। यदि सच्ची चाह हो तो भगवान की दया से निरंतर नाम जप होना खूब आसानी से संभव है। इसलिए आप मन से श्री कृष्ण के आगे अपनी चाह प्रकट कीजिए, फिर देखिए भजन अवश्य होगा। मन में कुछ रखकर ही प्राय लोग प्रार्थना करते हैं, इसलिए भगवान भी देखते हैं। अभी ठीक चाह हुई नहीं, चलो अभी टाल दूं। यदि हृदय की सारी शक्तियों से भगवान के सामने कोई एक बार भी रोने लगे तो फिर भगवान उसी क्षण असंभव को भी संभव कर देते हैं। इसलिए आपसे भी प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि निरंतर नाम जप की सच्ची चाह लेकर आप श्री कृष्ण के सामने रोज नियमित रूप से प्रार्थना करें। जिस दिन प्रार्थना हृदय से होगी उसी क्षण से भजन होने लगेगा। श्री कृष्ण पर भरोसा करके मन में उनको कहिए, लिखिए, वे सबकी सुनते हैं और आपकी भी सुन सकते हैं, यदि आप उन्हें सुनाना चाहें। जय श्री राधा माधव।